दिन के बाद मैं भक्ति से भजन कर पाए, बिल्कुल ऐसे ही कृपा हमें सर। अब आप भगवान जगन्नाथ की सेवा और अच्छे से कर पाएंगी। ये करते हो तुम बाबा हो, मेरा नाम हो रहा है ऐसे ना, तो मैं बाबा से कहता है रहता हूँ। Okay. ये महादेव मेरे लिए पिता है, कृष्ण तो थोड़ा नटघट है ना। राम गुरु जी खुश रहिए बेटा, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं जगन्नाथपुरी धाम से हूँ। अच्छा, हाँ, आपके लिए महाप्रसाद लाना चाहती हूँ। बहुत थैंक यू। तो आप वहीं रहते हैं पुरी में? हाँ, बहुत सुंदर जगह आप रहती हैं, समुद्र के किनारे रहती हैं आप? हाँ नहीं, मंदिर के पास। हाँ, वो तो समुद्र के किनारे ही है। हाँ, मेरे रूम से जगन्नाथ मंदिर दिखाई देते हैं। आपके यहाँ से जो समुद्र, मुश्किल से 500 मीटर होगा, कितना होगा? हाँ, 500 मीटर इतना ही होगा। तब तो आप बहुत ही सुंदर जगह रहती है, जगन्नाथ भगवान भी आनंद ले रहे हैं समुद्र किनारे। और मैं NRA USA में भी रही। अभी हम लोग भी आने वाले हैं किसी दिन जगन्नाथ बाबू, जगन्नाथ भगवान से मिलने आएंगे। हाँ, तो आपका बहुत कृपा हुआ मेरे ऊपर। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। मैं गया हूँ। हाँ, मैं पहले भी गया हूँ। हाँ, तो एक तरफ समुद्र है, उसके बगल बाजू में रोड है, रोड के बाजू में सारे लाइन से होटल बने हुए हैं, किनारे 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 किनारे। और वहाँ सबसे सुंदर जगन्नाथ है। इतना सुंदर है प्रभु, सौंदर्य तो बहुत है जगन्नाथ में। जगन्नाथ में तो बहुत सुंदर है, एक बार प्रभु से पूरे धरती में सबसे सुंदर है वो। हाँ, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण से भी सुंदर है। हाँ, वही तो जगन्नाथ भगवान है। ठीक बात है। हाँ, एकदम सत्य वचन आपने बोला, अपनी बहन के साथ में है। हाँ, हैं? बहन के साथ वाला भाव कैसा होगा? बहुत अच्छा है, नटघट है। हाँ, ऐसा बदमाशी करते एक है। वो भाव जो बहन के साथ है बच्चा। हाँ, तो उसका भाव कैसा होगा? सुंदर सुंदर होगा। हाँ, ऐसा ही भाव है, उनके दर्शन करने से ऐसा ही भाव सुंदर सुंदर बनता है। अच्छा अच्छा, बहन भी बहुत सुंदर है, बहुत सुभद्रा माँ, बिल्कुल अवश्य सुंदर है। किधर गया? भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मेरे को आना है। अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, फिर किसी कारणवश नहीं जा पाए पुरी में। आप तो महादेव है, खुद महाकाल है। हाँ, बाबा हमारे ऐसे ही हैं, और हम लोग आना है उधर, है ना? हमारे गुरुदेव ऐसे ही हैं। आप भी वहाँ विराजमान है लोकनाथ के रूप में। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे, फिर सब लोग वहाँ मिलेंगे आपसे, है ना? और आप अच्छे हो, आपने आपका आज मुझे बहुत कृपा आया, इतना दिन के बाद मैं भक्ति से भजन कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही कृपा हमें। अब आप भगवान जगन्नाथ की सेवा और अच्छे से कर पाएंगी, बहुत सुंदर तरीके से, भाव विबल हो गए। कृष्ण की सेवा, आपका सेवा, महादेव का सेवा करना है। उनका सेवा, महादेव का सेवा एक ही जैसा है, बराबर ही है, अंतर नहीं है दोनों में। अंतर है, क्योंकि महादेव मेरे लिए पिता है, कृष्ण तो थोड़ा नटघट है ना। वो कुछ कुछ गड़बड़ करते रहते। हाँ, वो शरारत है। कुछ कुछ बदमाशी। वो बाल सुलभ, वो बोला जाएगा जो स्वभाव है। एक बार मैं सोई थी वृंदावन में, मेरे पीठ के ऊपर एक फुट का कृष्ण बैठे, इतना छोटा लंगोटी पहन के। हाँ, तो मैं उनको पूछी, आपको कहीं जगह नहीं मिला, यहीं बैठने का जगह मिला? ऐसा जैसा अंदर भाव सुंदर सुंदर होता है वैसे ही। हाँ, हाँ, होता है। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर है। ये आपके सारे रोग कष्ट थे जो दरबार ने सब नष्ट कर दिए, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन में सूजन, सिजोफ्रेनिया, महसूस होना कोई आसपास है, आवाज़ें सुनाई देना, गंदी हरकतें होना, ऑर्थराइटिस, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न, ओवरी में सड़न, यूट्रस में गांठें बन रही थी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न बने रहना, स्वप्न दोष होना, प्राइवेट पार्ट में चुभन, दर्द और गंदे स्पंदन होना, कामुक विचार आना, OCD की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा दिखना लगना, नफरत चीड़ होना देख करके, नकारात्मक विचार आते थे, यूट्रस में पस,
घाव बन रहा था गले में, आंतों में और गॉल ब्लैडर में, कैंसर की स्मृतियां हड्डियों में, कोलोन में, रक्त में, गुदा द्वार में और पैनक्रियाटिक हेड में। हाँ, आप जो बोले सही है, ऐसा ही था, लेकिन ये सब जगन्नाथ की कृपा से ऐसा हो गया है ना, उनका कृपा से ये सब नष्ट हुआ। और जो असाध्य स्मृतियां हैं वो अभी कल आप एक दिवसीय महाहवन करना है, वो निःशुल्क है, दरबार की ओर से होता है, वो करना है, तो जो असाध्य रोगों का स्मृतियां वो भी नष्ट हो जाए। मेरे बेटे के बारे में कुछ बोल सकते? पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेटा है ना, बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन ये सब कुछ हो गया उसके साथ। कोई बात है, आप फोटो देखिए उसका, तो हम देखें। ये दो बच्चे हैं, एक देखिए पहले, बड़ा वाला देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको देखिए पहले, बड़ा है ये। इसका नाम बालगोपाल है। देखिए इसको, ओम। बाल गोपाल का ये समस्या है जो आपका बड़ा बेटा, अत्यधिक क्रोध आना, डिप्रेशन, एसिडिटी बनना, पेट में दर्द होना, प्राइवेट पार्ट में सूजन, वीर्य नाश होना और कामुक स्पंदन होना, इसके अलावा भी सही है। सिर में दर्द, एंजाइटी, किडनी में इन्फेक्शन, शरीर सूख रहा है, एनेमिक है, खून कम बनते हैं और कंफ्यूज रहना, सारे सही है। मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होता है, आप उसको यहाँ ला कर के ठीक करिए, वो अच्छा हो जाएगा। ये सब जो हमने बताया है ये उसके सारे कष्ट हैं, ये नष्ट हुए हैं। अच्छा, अब है नहीं, ओके, अभी था उसको, ये सारा उसको नष्ट किए, और भी तमाम कष्ट उसको, जैसे श्वास फूलना, उसको चेस्ट में पेन आना, सुसाइडियल थाट्स आना, यूरिन पास करने में जोर लगाता है, और उसको कैंसर डेवलप हो रहा है ग्लैल ब्लैडर में, लीवर में और रेक्टम में, सूखता जा रहा है, इन्फेक्शन है बॉडी में काफ़ी। तो अभी जब महाहवन करिएगा तो उसको अपने संकल्प में शामिल करिएगा, ताकि उसके असाध्य रोगों का स्मृति नष्ट हो जाए, उसको असाध्य रोग है। गुरु जी, आप हमारे लिए सहारा पूरा बनिए जिंदगी भर, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल है ना, अरे बाबा माँ है ना, अब तो चिंता ही नहीं करना, भोलेनाथ है, माँ है आपका पीछे। और मैं कहीं भी जाती हूँ, माता अमृतानंद है, मैं है क्या मेरे साथ, कृष्णा भी है क्या? नहीं, अभी तो जगन्नाथ भगवान दिख रहे हैं मेरे को, मेरे साथ अपने रहते? अपने दो भाई बहन के साथ। हाँ। आपके साथ भगवान जगन्नाथ दिखते हैं। तो मेरे रूम में आते हैं? वो पूरी सृष्टि में रहते हैं। ओके। और माता, और उस सृष्टि में आपका रूम भी आता है। अच्छा, है ना, अभी ये सब अच्छे। माता काली अमृतानंद में बोले मेरे साथ आप है। जो माँ है वो सब जगह है ना, सर्वत्र है। ओके। आप जब भी प्रार्थना करते हो तो सुनती है माँ। बाबा जी, मैं आपको मेरे रूम में बहुत बार देखे, आप आए थे क्या? हाँ। भाव का मामला है। हाँ। है ना, किसी जब आप भाव में किसी को याद करते हो तो ऐसा ही होता है, निश्चल प्रेम ऐसा ही होता है। आप आए थे ना सच में? बाबा आते जाते रहते हैं, तमाम रूप दिखाते मैं रहते हैं। बहुत बार देखे मेरे रूप। हाँ, ये काम बाबा ही करते हैं। यही सब करते रहते, नाम मेरा लगता रहता है। और आकर मुझे क्या बोल रहे हैं? बोले मेरे फोटो रोके पूजा कर। महादेव को है ना, मैं बोलता हूँ ना, करते हो तुम बाबा हो, मेरा नाम हो रहा है ऐसे ना, तो मैं बाबा से कहता रहता हूँ, करते हो तुम बाबा और मेरा नाम हो रहा है हर जगह, ऐसा जुगाड़ है। खूब खुश रहिए।